हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नो एमए साइकोलॉजी का असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करें, असाइनमेंट बनाने के लिए कौन से पेजेस का यूज करना चाहिए, असाइनमेंट में आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए जिससे आप असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर पाओगे, असाइनमेंट कब और कहाँ पे सबमिट करनी होती है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। असाइनमेंट बनाते वक्त फ्रेंड आपको पेज A4 साइज का यूज करना है, जिसके दोनों साइड से लाइंस होनी चाहिए। असाइनमेंट बनाते वक्त फ्रेंड आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्केच पेन हो गया, रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया, इसका यूज आपको करना ही नहीं है। अगर आप इसका यूज करते हो ना तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करनी है ना तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। डायग्राम बनाने के लिए भी आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। डायग्राम बनाने के लिए आपको ब्लैंक पेज परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसी लाइन वाले पेज पे डायग्राम बना सकते हो। अभी बात करते हैं कि असाइनमेंट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड, हमेशा के लिए एक बात याद रखना, नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है कि क्वेश्चन पूरा लिखना चाहिए कि नहीं। फ्रेंड, अगर आप क्वेश्चन पूरा लिखते हो ना तो ये अच्छी बात हो गई, लेकिन अगर आपको नहीं लिखना है ना तो आप क्वेश्चन कौन सा है वो लिखना है। जैसे सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से लिखना है, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो। और हर एक पेज में आपको पेज नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है ना, आपके पेपर इधर उधर हो जाते हैं। अगर आपने पेज नंबर लिखा होगा ना तो एग्जामिनर उसे अच्छे से अरेंज करके पेपर चेक कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो पेपर चेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप हर एक पेज पे पेज नंबर याद से लिखिए। फ्रेंड, एमए साइकोलॉजी एग्जाम में, असाइनमेंट एग्जाम में तीन प्रकार के सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 1000 वर्ड बताया है, सेक्शन बी में 400 वर्ड बताया है और सेक्शन सी में 50 वर्ड बताया है। तो फ्रेंड, 1000 वर्ड मतलब एग्जैक्टली कितना पेज लिखना होता है? फ्रेंड, हर एक पेज में 20 to 25 लाइंस होती है और एक लाइन में 5 वर्ड आते हैं। तो ऐसा समझते हम कि एक पेज में 100 वर्ड आ जाएंगे और उसके बैक साइड से भी 100 वर्ड आ जाएंगे, तो एक पेज में 200 वर्ड आ जाते हैं। तो 2 पेजेस में 400 आ जाएंगे, 3 पेजेस में 600, 4 पेजेस में 800 वर्ड और 5 पेजेस में 1000 वर्ड। तो फ्रेंड, आपको 5 पेजेस लिखने हैं। अगर आगे पीछे से अगर हम काउंट करें तो 10 पेजेस हो जाएंगे, अगर हम सिंगल पेज काउंट करते हैं तो 5 पेज हो जाएंगे। तो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 5 पेजेस लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है सेक्शन बी, जिसे बताया कि 400 वर्ड। तो 400 वर्ड के लिए आपको फ्रेंड 2 पेजेस लिखने पड़ेंगे, जैसे आगे पीछे से 4 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में 50 वर्ड बताया है, तो 50 वर्ड के लिए फ्रेंड आपको एक पेज सफिशियंट रहेगा। फ्रेंड, अभी बात करते हैं कि असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करें। फ्रेंड, असाइनमेंट लिखते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर लेते हैं, वो असाइनमेंट को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं बुक में से या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कॉपी किया हुआ समझ में आता है, अगर आप बुक में से भी कॉपी करते हो ना वो भी समझ आता है। अगर आप कॉपी करोगे ना तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इग्नो का स्टडी मटेरियल पढ़ना है या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है वो पढ़ना है, YouTube के वीडियो देखने हैं, उसमें से आपको जो भी समझ आया वो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। और लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए फ्रेंड, जितने सिंपल लैंग्वेज में आप लिखोगे ना उतने अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। आंसर आपको पॉइंट वाइज और पैराग्राफ फॉर्मेट, इन दोनों फॉर्मेट में आपको लिखने हैं। जब आप आंसर पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो पॉइंट वाइज लिखने से ये होता है कि आप कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हो। पॉइंट में लिखने से एग्जामिनर को भी इजी जाता है पेपर चेक करने में, वो अच्छे से समझ पाते हैं कि आपने क्या लिखा है और आपने जो भी पॉइंट लिखे है ना उसे अंडरलाइन करना चाहिए। और फ्रेंड, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, एक ट्री डायग्राम बनानी है। ट्री डायग्राम मतलब आपने जो भी क्वेश्चन में बताया ना आंसर के फॉर्म में जो पॉइंट वाइज लिखे है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाना कि आपने क्या क्या बताया है उसमें, वो आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। ये करने से चेक करने वाले पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपेयर किया है और आपको 1-2 मार्क अच्छे भी मिल सकते हैं इस वजह से। अभी बात करते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होती है। फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा इग्नो में 2 सेशन में असाइनमेंट सबमिट होता है, एक जून सेशन रहता है और एक जनवरी सेशन रहता है। तो जून सेशन के लिए लास्ट डेट
31 मार्च तक रहता है, और जो जनवरी सेशन रहता है फ्रेंड उसकी डेट 30 सितंबर तक रहती है। फ्रेंड अभी बात करते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको एक फ्रंट पेज लगाना पड़ेगा। ये फ्रंट पेज है फ्रेंड, फ्रंट पेज डाउनलोड करने की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। फ्रंट पेज में क्या होता है ना, आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। जैसे फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, जो 9 डिजिट या 10 डिजिट का होगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद कोर्स टाइटल। फ्रेंड कोर्स टाइटल में क्या आप क्या लिखोगे, कोर्स टाइटल हर एक असाइनमेंट में मेंशन होता है। जैसे फ्रेंड जो पहला असाइनमेंट है ना उसका नाम क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी, ये कोर्स टाइटल हो गया। और उसके बाजू में देखिए MPC 001, ये हो गया कोर्स कोड। उसके बाद असाइनमेंट नंबर में आप क्या लिखोगे, ये कौन से नंबर का असाइनमेंट है, फर्स्ट नंबर का असाइनमेंट है, इसलिए आप असाइनमेंट नंबर पे 1 लिखोगे। अगर आप 3 नंबर का असाइनमेंट लिख रहे हो तो 3 लिखोगे, 6वें नंबर का लिख रहे होंगे 6 असाइनमेंट लिखोगे। उसके बाद फ्रेंड स्टडी सेंटर का नाम लिखना है, उसका कोड लिखना है। तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको, फ्रेंड इस वेबसाइट से आप अपने स्टडी सेंटर का कोड और नाम यहाँ से पता कर सकते हो। जितने भी एमए साइकोलॉजी के स्टडी सेंटर है उसका कोड है ना इस वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ से आपका जो भी स्टडी सेंटर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे फ्रेंड देखो यहाँ पे हैदराबाद रीजनल सेंटर है, और स्टडी सेंटर कोड है निजाम कॉलेज है, उसका स्टडी सेंटर कोड कौन सा है, 01152। वैसे आप अपने स्टडी सेंटर का चेक करिए और उसका सेंटर कोड, जो स्टडी सेंटर कोड है वो आपको वहाँ पे लिखना होता है। स्टडी सेंटर के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होता है, आपने एडमिशन लेते वक्त जो नंबर रजिस्टर किया था ना वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, और आप जिस दिन आपका असाइनमेंट सबमिट करोगे उसकी तारीख लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर करनी पड़ेगी। फ्रंट पेज होने के बाद फ्रेंड आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना वो डाउनलोड करना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, वो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद आपके असाइनमेंट ऐसे 3 फॉर्मेट होने चाहिए। जैसे पहला होगा फ्रंट पेज होगा, उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन, उसके बाद आपका असाइनमेंट, ये यही फॉर्मेट आपको लगाना है। और फर्स्ट ईयर में 6 असाइनमेंट होते हैं ना, तो फ्रेंड हर एक असाइनमेंट में आपको ऐसा सेपरेट पेज लगाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करना कि एक ही पेज लगा दिए उसमें 6 असाइनमेंट अटैच कर दिए। आपको हर एक असाइनमेंट के लिए आपको सेपरेट पेज लगाने पड़ेंगे। जैसे 6 असाइनमेंट है ना तो 6 फ्रंट पेज आपको लगाने पड़ेंगे। अभी बात करते हैं कि असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड असाइनमेंट आप एक तो रीजनल सेंटर में सबमिट कर सकते हो या फिर स्टडी सेंटर पे कर सकते हो। तो स्टडी सेंटर पे आप सबमिट करोगे ना उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मतलब वहाँ पे आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया ना उसकी एक प्रूफ कॉपी होती है। वो उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, स्टडी सेंटर का नाम होगा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो होगा, आपने कौन कौन से असाइनमेंट सबमिट की है वो उसकी एक लिस्ट होगी। उसके बाद आपकी सिग्नेचर होंगी, जो आपका असाइनमेंट इशू करेंगे उनकी सिग्नेचर होंगी, और स्टडी सेंटर का एक स्टैम्प होगा। एक कॉपी उनके पास रहेंगी और एक कॉपी आपके पास रहेगी। और फ्रेंड आप एक साथ सारे असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो, या फिर एक असाइनमेंट हो गया तो आप सबमिट कर सकते हो, 2 हो गए सबमिट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इंडिविजुअली करना चाहते हो कि एक साथ सारे असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। फ्रेंड अगर आप अपने स्टडी सेंटर से बहुत दूर रहते हो और आप अपना असाइनमेंट कुरियर से भी सबमिट कर सकते हो। फ्रेंड तो कुरियर से सबमिट कैसे करना है इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।